हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में ही क्यों रेस्ट होता है। जानते हो जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो हमेशा साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा, इसके बजाय किसी भी डायरेक्शन में वो रेस्ट नहीं होता है। इसका क्या रीजन होता है समझते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, देख लो मैं क्या करता हूं। मान लो ये अर्थ है, सपोज दिस इज द अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो हमारे डायरेक्शन कैसे होते हैं, देखो ये हो गई अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और ये हो गई वर्टिकल लाइन, इसको हम पोल रीजन बोलते हैं, पोलार रीजन बोलते हैं, बराबर। तो ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया पोल। तो हमारे ज्योग्राफिक डायरेक्शन कैसे होते हैं, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन डब्ल्यू ई, इसको बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, और इसको बोलते हैं साउथ डायरेक्शन डब्ल्यू ई एन एस, ठीक है। तो ये हमारे रेगुलर डायरेक्शन होते हैं डब्ल्यू ई एन एस, ओके। अब देखो ये हमारी ज्योग्राफी कहती है, ज्योग्राफी कहती है कि ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो होगी इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ, क्या बोलेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ, और इसको क्या बोलेंगे ज्योग्राफिक साउथ। तो बेटा होता क्या है, जब मैं एक मैग्नेट को ऐसे ऐसे रख दूंगा या ऐसे रख दूंगा, ऐसे सस्पेंड करूंगा फ्रीली, बीच को इसको मैं बांध के ऐसा सस्पेंड कर दूंगा, तो ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रेस्ट होगा, ऐसे डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इसका क्या रीजन होता है, तो देख लो हमारे पास क्या होता है, मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होती है कि मैग्नेट को दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल दूसरा नॉर्थ पोल। अब यूनिवर्स का एक नियम है, नियम ऐसा है कि लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, मतलब आप दो नॉर्थ पोल को नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो वो एक दूसरे को दूर ढकल देंगे, रिपेल कर देंगे, या फिर दो साउथ पोल को करीब लाने की कोशिश करोगे तो वो भी एक दूसरे को ढकल देंगे, रिपेल करेंगे, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। एंड देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट पोल, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है, होता क्या है, देखो ये जो अर्थ है, अर्थ के अंदर एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं कोर, मतलब अर्थ के अंदर जमीन के अंदर बहुत सारा मेटल भरा हुआ है। अब ये जो अर्थ है ये ऐसे घूम रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो अब जब ये अर्थ घूम रही है तो इसके साथ साथ ये कोर भी घूमेगा, कोर के अंदर क्या है, कोर के अंदर है बहुत सारा मेटल, और मेटल के अंदर होते हैं आयंस। अब ये मेटल और आयंस घूमने के वजह से ये जो अर्थ का कोर है ये अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिज्म क्रिएट करेगा, मतलब ये जो कोर है मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब इसका नेट मैग्नेटिज्म कैसे होता है, साइंटिस्ट ने स्टडी किया है, इसका नेट मैग्नेटिज्म कुछ ऐसे होता है, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन को कितना एंगल बनाता है वो 11.3 डिग्री का। अब इंफॉर्मेशन के तौर पे इसको याद रखो सिर्फ। और ये जो मैग्नेट होता है अर्थ के अंदर का मैग्नेट, अर्थ के अंदर का मैग्नेट, हाँ अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्यों बिहेव करती है, बिकॉज अर्थ के कोर के अंदर बहुत सारे मेटल है, आयंस है, अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है मतलब आयंस घूम रहे हैं, और आयंस घूम रहे हैं मतलब इट इज काइंड ऑफ करंट, और करंट के बाजू में क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट छुपा है वो कुछ इस तरह से है। अब अर्थ एक मैग्नेट है, अर्थ एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इधर है और जिसका नॉर्थ पोल इधर है, ठीक है। अब ये तो नॉर्थ डायरेक्शन थी, तो नॉर्थ डायरेक्शन के तरफ अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है और साउथ डायरेक्शन की तरफ अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो इसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, क्या बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसको क्या बोलेंगे हम मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ पोल, और इसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब जो मैग्नेटिक साउथ पोल है उधर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, तो हमारी मतलब ज्योग्राफी की, तो इसको बोलेंगे हम ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक साउथ, ये वाली डायरेक्शन ज्योग्राफिक साउथ है ना, और ये वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, सॉरी ये क्या है ज्योग्राफिक नॉर्थ, आई एम सॉरी बेटा ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफी का नॉर्थ है इधर और इधर ज्योग्राफी का साउथ है, तो ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक साउथ, समझ में आ रहा है।
यहां तक समझ में आया? अर्थ के अंदर कोर है, कोर के अंदर मेटल और आयंस है, अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूमने की वजह से मेटल घूमेंगे, आयंस घूमेंगे, आयंस घूमने की वजह से इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जो अर्थ के अंदर छुपा हुआ मैग्नेट है उसका साउथ पोल इधर है, उसका नॉर्थ पोल इधर है। अब मैंने लिया मेरा मैग्नेट, अब ये मैग्नेट मान लो ये ब्लैक वाला मेरा नॉर्थ पोल है और व्हाइट वाला मेरा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब मैं अगर इसको ऐसे रखूंगा, ऐसे फ्रीली सस्पेंड करूंगा, लटकाऊंगा ऐसे उसको, तो ये नॉर्थ को ये साउथ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये साउथ को ये नॉर्थ क्या करेगा? अट्रैक करेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा मैग्नेट फाइनली ऐसे रेस्ट होगा, ठीक है। तो अब ये जो मेरा मैग्नेट है उसको ड्रॉ करता हूं मैं, मेरा मैग्नेट है जो एक्सटर्नल मैग्नेट है, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये वाला मैग्नेट, ये एक्सटर्नल मैग्नेट है हम, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेट का, एक्सटर्नल मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर आएगा और एक्सटर्नल मैग्नेट का साउथ पोल इधर आएगा। क्यों आएगा भाई? बिकॉज अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल इधर है, तो साउथ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा, नॉर्थ को इधर खींच लूंगा मेरे वाले मैग्नेट के, एक्सटर्नल मैग्नेट के, और साउथ को इधर खींच लूंगा, तो और जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया तो फिर से ये ऐसे हो जाएगा। तो जब मैं मैग्नेट को लटकाऊंगा तो जो एंड मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में होगा उसको बोलूंगा मैं नॉर्थ पोल, और जो एंड साउथ डायरेक्शन में होगा उसको बोलूंगा मैं साउथ पोल। तो ये साउथ और ये नॉर्थ क्या है? मेरे मैग्नेट के पोल्स है। जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, जो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है उसको साउथ पोल बोलेंगे। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों पॉइंट कर रहा है? बिकॉज अर्थ के अंदर जो मैग्नेट बना हुआ है उस मैग्नेट का साउथ पोल इधर है और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है। अगर आपको एग्जैक्टली लोकेशन चाहिए तो ये नॉर्थ पोल कहां पर है? बिलो अंटार्कटिका, बर्फ होता है ना अंटार्कटिका में, बिलो अंटार्कटिका। और इसका जो साउथ पोल है अर्थ वाले मैग्नेट का, अर्थ के मैग्नेट का, वो है बिलो कैनेडा, कैनेडा में, बिलो कैनेडा, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? कि जब भी आप मैग्नेट को सस्पेंड करोगे, फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रेस्ट होगा? बिकॉज अर्थ खुद एक मैग्नेट है। अब अर्थ खुद एक मैग्नेट क्यों है भाई? क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत सारा, अर्थ का जो अर्थ क्रस्ट है या अर्थ का कोर है उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स है, आयंस है, और अर्थ घूमता है वेस्ट टू ईस्ट इन इक्वेटोरियल प्लेन, ऐसे घूमता है। तो घूमने के वजह से क्या हो जाएगा? उसके अंदर एक मैग्नेट क्रिएट होगा, उसका साउथ पोल इधर होगा और नॉर्थ पोल इधर होगा। तो मैं अगर मेरा मैग्नेट सस्पेंड करूंगा तो मेरा मैग्नेट इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा। तो मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं कि ये मेरा नॉर्थ पोल है? आप क्या करना, मैग्नेट को सस्पेंड कर देना फ्रीली, वो रेस्ट होगा कुछ ऐसे। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट होगा उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, जो साउथ डायरेक्शन में रेस्ट होगा उसको साउथ पोल बोलेंगे। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल इधर ही क्यों रेस्ट हुआ? बिकॉज अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल इधर है और अर्थ का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल इधर है, ठीक है। तो अब आप किसी भी क्लास के होंगे तो इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जब आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रेस्ट होता है, ठीक है। कीप स्टडी, बेस्ट ऑफ लक।